अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है शहजादे हो, फिट फाट हो? उम्मीद है आप सब ओके होंगे, रोके की रिपोर्ट में होंगे। तो एटी के स्पेशल में आपने बोला था जी बूट कैंप में आतंक मचाओ, तो सबसे पहले ये प्लेन के कैप्टन भाई को पकड़ लेते हैं, तो ये वाला गेम प्ले स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं मेन बिल्डिंग में लैंड होता हूँ, आते सर गन शन उठाई यार, इतनी देर में मेरा टीममेट मेरे पास आके कहता है जी M4 उठाएं। M4 उठाते उठाते काम जो है वो बढ़ जाता है और बंदे रश कर जाते हैं। खैर उसकी मैं कुछ 6 गोलियां शॉटगन की और वेक्टर की पूरी मैगजीन खाली करवा देता हूँ भाग भाग के, और फिर उस बंदे को भी मजबूरन वापस जाना पड़ता है। वो बंदा वापस गया, मैं गन रीलोड करता हूँ, टीममेट को रिवाइव दिया, फिर मैंने बा इज्जत तरीके के साथ हेल्थ किट लगाई। अब उन दोनों बंदों का रश आया और ये था अपना हमसाया क्लैन जरिफ का, और ओके की रिपोर्ट में बाबा जी टीडीएम वाले हेडशॉट इनको लगते हैं। खैर इन बंदों को मैं मार देता हूँ, फिर नीचे से काफ़ी ज़्यादा फुटस्टेप आ रहे थे और मैं बार बार पीके लेके फायर ही दे सकता था, क्योंकि कोई पता नहीं था इन बंदों ने कब निकलना है, कब बरकत होनी है, सो यही बनता था। खैर यहाँ पे फुल टाइम निशानेबाजी चल रही थी, तो फाइनली फिर मैं कहता हूँ चलो जी बजिए आर या पार। तो यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ इस बंदे को काफ़ी, ये बंदा शायद आगे वाले बंदों को नोक शोक करता है। फिर मैं रश करता हूँ, इस बंदे के साथ मेरी फाइट हुई, इसको मैंने नोक किया, फिर मौके पे बाबा जी बा इज्जत तरीके के साथ इसको मैंने फिनिश कर देना। अब इस बंदे को फिनिश किया उसी टाइम बाबा जी अ लिटिल बिट रिफ्लेक्स टाइप कह सकते हैं आप, कि बंदा मेरे टीममेट को नोक करता है, इसको मैंने मार दिया, ये स्क्वाड ऑल डेड हो गई। फिर मैं पीछे जाता हूँ, हेल्थ किट लगाई, और इसी जगह पे वो जिनका प्लेन था अपना अर्दुजाई भाई, उनके साथ फाइट होनी है। ये सामने बंदे आ गए हैं, मेरे पास होता है एक अदद नेड, तो अगो तो पता ही है मेरे नेडा का, मैं बस करा देता हूँ और एक ही नेड के साथ गिनती कर लें, सारे मर मुड़ जाते हैं और यहाँ पे आपका भाई बिकू मात्रे बन जाता है बूट कैंप का। लेकिन पॉइंट बिकू मात्रे बनना नहीं है, थोड़े पैसों में ज़्यादा मज़े की बात हुई थी जैसा कि, तो लगे हाथ ये अगले कैप्टन को पकड़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि पबजी वालों को पता चला कि मैंने बूट कैंप खेलना, तो उन्होंने मुझे एक मिथिक दे दिया कि आप ये पहन के खेलें, यू नो ब्रांड बोलती पब्लिक, तो ये वाला आउटफिट पहन लिया बा इज्जत तरीके के साथ। लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब को नीचे उतार लें, क्योंकि जहाज मसलसल मेरा आ रहा था, सिर्फ बूट कैंप में ये दो बंदे थे जो ऊपर आ रहे, तो मैंने कहा पहले इनको ओके की रिपोर्ट में लाएँ। खैर यहाँ पर फैले होते हैं बंदे, कैप्टन शैप्टन को मैं सब को काबू कर लेता हूं, और इसी के साथ मैं बताता चलूं बाबा जी आगे जो क्लचिस आने वाले हैं, मैं कहता हूं नौजवानों के चेहरे पर खुशी की लहर बहुत ज़्यादा आएगी। खैर जहाज़ अब अपना आ चुका है और ये सीज़न 2 का जहाज़ है बाय द वे। अब चलते हैं मौका वारदात की तरफ। तो यहाँ पर मुझे ये आई थिंक सो लेडीज़ थी, ये मुझे नोक कर देती हैं, मैं रिवाइव होता हूँ, ये बंदा आया मैंने इसको नोक किया, फिर हेल्थ किट लगाई और लगे हाथ राइट साइड से एक और बंदा आ रहा था, मैंने इसको भी नोक किया। और मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पे 50% अच्छे लोग होते हैं और 50% बुरे लोग होते हैं। तो ये भाई से मैं पूछता हूँ आपका एंड वाला बंदा कहाँ पे है, तो ये मुझे कहता है कि यार सामने वेयर हाउस पे है। तो मैं रुके बगैर ठुके बगैर चढ़ाई कर देता हूँ, और ये चढ़ाई यहीं तक थी, इसके बाद के जो चक्कर है ना वो आपने ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ चकने हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जी मैं कहता हूँ वैसे ज़्यादा चेस आएगी, क्योंकि सेकेंड्स वाला काम है, सेकेंड्स में वॉइस ओवर नहीं होते। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। चको Watch out!